हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। तो आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आप लोगों को एक शिकायत होगी मुझसे, इसलिए मैं पहले उस पर बात कर लूँ आपसे कि बहुत लंबे समय से आप लोग को वीडियो नहीं मिला। आज मैं 11th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम का क्लास लेके आया हूँ, और वीडियो में थोड़ा सा लेट होने का रीज़न आपको पता है कि मैं अपने पूरे क्लासरूम को डिजिटलाइजेशन करा रहा था। डिजिटल बोर्ड लगाया और कंप्यूटर सिस्टम, साउंड सिस्टम, पूरे जो इकोसिस्टम है हमारा, वो सबको मैंने चेंज किया, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में टाइम लग रहा था, इसलिए मैं वीडियो प्रॉपर नहीं ले आ पाया। लेकिन अब आपको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल बोर्ड के साथ, आपको मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैं आपको क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, इस कारण थोड़ा लेट हुआ। और हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो 11th क्लास के फिजिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और वो चैप्टर है कणों का निकाय तथा घूर्णी गति। जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर कणों का निकाय तथा घूर्णी गति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कणों का निकाय, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो कणों का निकाय क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कण। कण इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको पार्टिकल्स। कण, अभी डिजिटल बोर्ड का शुरू का क्लास है, थोड़ा राइटिंग में आपको प्रॉब्लम होगा तो परेशान मत होना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में लिखना, और इससे पहले मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराता था वाइट बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे भी थोड़ा प्रैक्टिस का और थोड़ा हैबिट बनाने का ज़रूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा कुछ एक आध दो वीडियो में आप लोग एक्सक्यूज़ करना, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखें कण क्या है, पार्टिकल्स क्या है। हम चैप्टर की मीनिंग पर बात कर रहे हैं, कणों का निकाय, ठीक है? तो कण मतलब होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी सॉलिड का या ठोस द्रव का सबसे छोटा पार्टिकल। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, फिर हम मॉलिक्यूल्स, एटम, वो बाद में बात करते हैं। तो कण मतलब छोटा पार्टिकल्स, और कणों का निकाय। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा जो हमारा टर्म यूज़ होता है इस चैप्टर में, वो है निकाय। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखना कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि सबसे पहले तो आपको उस चैप्टर के टर्म पता होना चाहिए, ठीक है? निकाय, सिस्टम, सिस्टम क्या है? डिजिटल बोर्ड में लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ये कर्सिव जैसे लिखोगे तो वो सब मिल जाते हैं लेटर आपस में। निकाय, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि यह सिस्टम है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए जितने पार्टिकल्स, मतलब ये पार्टिकल्स मिल के क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और इस तरह से हमको पता चलता है कि बहुत से कण मिलकर कोई वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो पूरा क्या कहलाएगा, उसका जो अरेंजमेंट है वो सिस्टम कहलाता है, ठीक है? तो कणों का निकाय। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कणों का निकाय, तो कणों के निकाय में फिर एक विलगित निकाय, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उस पर हम बात करें थोड़ा सा। निकाय, और यह शब्द आपको यूज होगा, विलगित निकाय। थोड़ा सा हिंदी राइटिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है। विलगित निकाय को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, मतलब बाहर से कोई उसको बाधित ना करे, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे जो दो पदार्थ को घर्षण कर रहे हैं, दोनों के घर्षण करने से आवेश उत्पन्न हो रहा है, ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि इसमें किसी बाहर के और सिस्टम का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है? तो आइसोलेटेड सिस्टम ये कहलाता है विलगित निकाय। ये टर्म आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आगे जब चैप्टर में मैं ये टर्म यूज करूँगा तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए मैं बात करता हूँ अब ठोस, क्योंकि यहाँ पर हम इस चैप्टर में ठोस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, और
ठोस पदार्थ जो होता है, पदार्थ की वास्तव में पांच अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, पांच अवस्थाएं होती हैं आज के डेट में, लेकिन जनरली हम उसके तीन अवस्था के बारे में जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन चौथी अवस्था होती है उसकी प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था जो लेटेस्ट अभी जो एक आर्टिफिशियल बना है वो कहलाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। अल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट ने जो मिल के कॉन्सेप्ट दिया था उसके बेस पर एक नया सिस्टम हम बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, बहुत एडवांस फिजिक्स में आप उसको पढ़ेंगे, वो पांचवा सिस्टम है। लेकिन फिलहाल हम तीन सिस्टम ठोस, द्रव, गैस पर बात करें तो इनकी अवस्था के लिए जो जिम्मेदार है वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब अणुओं के बीच में लगने वाला बल है। अणुओं के बीच में लगने वाला बल बहुत स्ट्रांग हो तो वो ठोस होता है। फिर ठोस दो तरह के होते हैं, क्रिस्टल और क्रिस्टली ठोस। तो हमको इस चैप्टर में उस डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हमको ये जानना है कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं। तो ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है कि ठोस पदार्थों की जो आकृति है उसका साइज डिजाइन क्या होता है वो फिक्स होता है। लेकिन ठोस में यदि हम एक इस तरह के पिंड की बात करें जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस वर्ड का यूज़ किया जाएगा वो है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी, तो किस तरह के पिंड को हम दृढ़ पिंड कहेंगे, देखिए जैसे मान लो हमारे पास कोई ये पिंड है ये, और आपको मालूम है कि जब किसी पिंड पर हम बाह्य बल लगाते हैं, बाहर से यदि हम इस पर बल लगाएं, मान लो इसमें मैं बल एफ लगाया, तो ये पिंड क्या है अपने डिजाइन को चेंज करके, शेप को चेंज करके ऐसा हो सकता है, या इसको हम गोला बना सकते हैं, कुछ भी हम इसको बना सकते हैं। मतलब यदि हम किसी पिंड पर, किसी ठोस पदार्थ पर बाहर से बल लगाएं तो उसका साइज, आयतन, आकृति, ये सब क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक इस तरह के पिंड की कल्पना की कि सपोज हम उस पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं, मतलब यदि उस पिंड पर हम क्या करें, बाह्य बल लगाएं, तो बाह्य बल लगाने पर भी यदि उसके आयतन या आकृति में परिवर्तन ना हो, जैसे मान लो अपने पास ये कोई बॉडी है और इस पर हम बाहर से बहुत से बल लगाए, और बाह्य बल लगाने के बाद भी इस बॉडी के आयतन या आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो जैसा है वैसा ही रहे, तब इस तरह के पिंड को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। और ये सब टर्म हमको इस चैप्टर में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये सब टर्म हम अभी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो रिजिड बॉडी, वास्तव में व्यवहार में कोई भी बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी नहीं होता। वास्तव में हमारे बिहेवियर में किसी भी बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं कह सकते, क्योंकि बल की मात्रा को बढ़ाने पर, यदि हम बल को बहुत अधिक मात्रा में लगाएं तो उसका आकृति बदल ही जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे पिंडों को दृढ़ पिंड कहा जाता है जिनमें आयतन या आकृति में परिवर्तन के लिए हमको बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान में रखना, जो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कण क्या है, निकाय क्या है, विलगित निकाय क्या है, ठोस क्या है, फिर ठोस में दृढ़ पिंड क्या है, रिजिड बॉडी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये चैप्टर के टर्म्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र हिंदी के लेटर और डिफिकल्ट हैं डिजिटल बोर्ड में, धीरे धीरे हैबिट होगा। द्रव्यमान केंद्र, और इस द्रव्यमान केंद्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, देखो सेंटर ऑफ मास, हमको मालूम है कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से, मतलब कोई भी हमारा जो सिस्टम है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर इमेजिन करें कि सपोज हम कोई इस तरह से कण इमेजिन करें, यहाँ पर सपोज मैं ये कोई एक पिंड की कल्पना किया, तो इस पिंड में बहुत से छोटे छोटे कण हैं और इन छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बना हुआ है। मान लो किसी का द्रव्यमान m1 है, किसी का द्रव्यमान m2 है,
किसी का द्रव्यमान m3 है, किसी का द्रव्यमान m4 है। तो ये जो पिंड है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इस संपूर्ण पिंड का अपना खुद का भी कुछ द्रव्यमान है और जो एक पॉइंट पर केंद्रित है। जैसे मान लो यह वह बिंदु है जहाँ पर पूरे द्रव्यमान क्या है, केंद्रित है, उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि किसी भी पिंड का वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित हो, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहलाते हैं। जैसे एक इमेजिन करिए कि मान लो आपके पास इस तरह से कोई एक पिंड है, अब उस पिंड को आप अपने हथेली में रखो तो आपको पूरे पिंड के पार्टिकल्स, जितना आपका कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, जितना संपर्क सतह होगा, उस पर बल लगाएगा। लेकिन मान लो मैं इसमें एक इस तरह से पिन अटैच कर दूं, इस तरह से नुकीला, तो इसको यदि हम कहीं पर भी हम उसको पॉइंटेड कर दें तो पूरे पिंड का द्रव्यमान यहीं पर एक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये लाइन उसके सेंटर ऑफ मास से होके जा रहा है। तो निश्चित रूप से किसी भी दृढ़ पिंड में एक ऐसा बिंदु जरूर होता है जहाँ पर पूरे पिंड का द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। यह सब कॉन्सेप्ट आपको जानने जरूरी है क्योंकि चैप्टर का जो मेन टॉपिक है आज के क्लास में, आज मेरा पहला वीडियो है इस चैप्टर पर, उसमें मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूँ कि 11th क्लास के सिलेबस में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आप कह सकते हो कणों के निकाय और घूर्णी गति, क्योंकि उसमें बहुत से फार्मूला डिराइव होंगे, बड़े बड़े फार्मूला डिराइव होंगे और उसमें इंटीग्रेशन का आपको जरूरत पड़ेगा। कुल मिला के इसमें डेरिवेशन बहुत है। तो आज के क्लास में मैं बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से करना है तभी आपको नेक्स्ट क्लास मेरा ढंग से समझ में आएगा। इसीलिए मैं टर्मिनोलॉजी आपको समझा रहा हूँ। तो द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये तो मैं एक पिंड की बात किया, सपोज हमारे पास कोई निकाय हो, कोई सिस्टम हो, ठीक है। तो दो कण निकाय के लिए यदि हम यहाँ पर बात करें, तो मान लो मैं दो कण निकाय के बारे में बात करूं, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। अब मान लो हमारे पास दो कण निकाय हैं, दो कण निकाय के लिए, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम सेंटर ऑफ मास की बात करें। देखो ये पढ़ाने से आपको एक बात समझ में आया होगा कि ये जो द्रव्यमान केंद्र होता है वह द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, द्रव्यमान केंद्र पिंड से बाहर भी हो सकता है। जैसे हम टू पार्टिकल सिस्टम पर बात करें तो मान लो ये हमारी पृथ्वी है सपोज, और हमने सपोज कर लिया कि ये क्या है, मून है, चंद्रमा है, ठीक है। ये मून है और इसको हमने सपोज कर लिया ये अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। अब अर्थ और मून क्या होगा, एक सिस्टम बनेगा, टू पार्टिकल सिस्टम बनेगा। एक कण हम अर्थ को मान सकते हैं, एक किसको मान सकते हैं, मून को मान सकते हैं। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इनका जो संपर्क सतह होगा, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये दोनों से बाहर होगा, ये हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास। दैट मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ, यदि एक पार्टिकल सिस्टम है, यदि एक कण निकाय है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र उस पिंड के अंदर में होता है। लेकिन दो कण निकाय या दो से अधिक, मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में हम बात करें, तो उसका द्रव्यमान केंद्र उससे बाहर भी हो सकता है और ये दोनों पिंड उस द्रव्यमान केंद्र के अकॉर्डिंग क्या है, संतुलन में है या बैलेंस कंडीशन में है। तो टू पार्टिकल सिस्टम में या दो से अधिक पार्टिकल सिस्टम में, जो पूरे सिस्टम का, इसीलिए मैंने आपको सिस्टम बताया, सिस्टम मतलब टू आर मोर देन टू पार्टिकल्स आर बॉडीज, क्लियर। तो इनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वह पिंड से बाहर भी हो सकता है। तो यहां पर देखो, दो कण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र न तो वह पृथ्वी के अंदर है और न ही वह चंद्रमा के अंदर है, उससे बाहर है। तो दो कण निकाय के लिए इस तरह का होता है। अब यहां पर हम इसके कुछ मैथमेटिकल्स फॉर्म को देखते हैं द्रव्यमान केंद्र का। तो यदि हम सेंटर ऑफ मास पर बात करें, तो मान लो हम सेंटर ऑफ मास के का मैथमेटिकल अपन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अन अकेडमी ने लॉन्च किया है महाराष्ट्र बोर्ड के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स, और आप देख रहे हैं यहाँ पर लर्न फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स टू क्रैक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th एंड 10th। 9th और 10th क्लास स्टूडेंट्स के, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए है कि
2500 का जो फीस है वो मेरे रेफरल कोड पर आपको ओनली 99 रुपीस में सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और आपको यूज़ करना होगा मेरा रेफरल कोड जितेंद्र सर लाइव, और आप इस कोड को यूज़ करके ओनली 99 रुपीस में आप ये कोर्स पा सकते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए, इस कोर्स की जो विशेषता है, ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी आल्सो। हिंदी, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम अक्रॉस महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स को अकेडमी ने इसके लिए लिया है। बेस्ट इन क्लास टीचिंग, फ्री टेस्ट सीरीज, रिविजन क्लासेस, रिविजन बैच, क्रैश कोर्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, महाराष्ट्र बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आपको इसमें सॉल्यूशन दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि आपको इसका लिंक और ऐप डाउनलोड करने का लिंक जो है वो हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए आप सब्सक्रिप्शन कीजिए, उसको हमको दिया होगा हमारे, मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। देखिए, ये सपोज एक एक्सिस है, ये कोई दूसरा एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और यहाँ पर सपोज ये दो पार्टिकल के मास हैं, और इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम एक अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से, सपोज ये, क्लियर। तो यहाँ पर मान लो एक M1 द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है, यहाँ पर मान लो एक M2 द्रव्यमान पिंड रखा हुआ है, और दोनों जो हैं एक सिस्टम बनाते हैं, और M1 M2 से होकर जाने वाली लाइन ये है, और यहाँ पर इसका सपोज सेंटर ऑफ मास है, जैसा मैंने आपको भी अर्थ मून में बताया था। तो ये इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और यहाँ से जो पहला मास है, सपोज इसका पोजिशन वेक्टर स्थिति सदिश R1 है, और इसका स्थिति सदिश मान लो R2 है, और ये है RCM, RCM मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर, क्लियर। तो RCM है। अब इस कंडीशन में आप देखो, इसको मैं x का नाम एक्सिस दे दूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो यहाँ पर टू पार्टिकल सिस्टम है, एक का M1 द्रव्यमान है, एक का M2 द्रव्यमान है। M1 का स्थिति सदिश R1 है, M2 का स्थिति सदिश क्या है, R2 है, और जो सेंटर ऑफ मास है, जो दो पिंड से बाहर है, उसका सदिश क्या है, RCM है। तो इस प्रकार से टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हम RCM यदि लिखना चाहें तो इसका फार्मूला होता है M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। इस तरह से टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो निकालने का ये फार्मूला होता है, टू पार्टिकल सिस्टम हो तो। इसी प्रकार से देयरफॉर n कर्ण निकाय के लिए, n कर्ण n कर्ण निकाय के लिए यदि हम RCM लिखना चाहें तो लिखेंगे M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस एंड सो ऑन MN RN और अपान सबका द्रव्यमान मत का योग, दैट मीन्स M1 M2 प्लस एंड सो ऑन MN। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको याद में रखना कि दो कर्ण निकाय के लिए फार्मूला होता है, n कर्ण निकाय के लिए फार्मूला होता है, ये द्रव्यमान केंद्र निकालने का फार्मूला है। इसके बाद क्या है आपको ध्यान रखना है कि जो देखो हमारे पास जितने भी सॉलिड बॉडी हैं, जो ठोस पिंड हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक तो परिभाषित एक अपरिभाषित, डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। अपरिभाषित मतलब मान लो मैं कहीं पर से कोई पत्थर टुकड़ा कुछ भी उठा के ले आया जिसका मैं नाम नहीं बता सकता कि उसकी आकृति कैसी है, वो अपरिभाषित पिंड है, नॉट डिफाइंड शेप है, उस बॉडी का कोई डिफाइन नहीं है। लेकिन सपोज मैं कोई इस तरह से ठोस उठा के लाया, या मान लो इस प्रकार से मैं शंकु बनाया, ठीक है, या घन घनाप बनाया, मान लो इस तरह से मैंने घन या घनाप बनाया, तो ये सब का जो सेंटर ऑफ मास होता है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, फिक्स पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो वो सेंटर ऑफ मास जो होता है डिफाइन बॉडी का किस पॉइंट पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे के क्लास में आपको बता दूंगा कि किस किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पर होता है, क्लियर। तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ मास,
और ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है दो कर्ण के लिए, एन कर्ण निकाय के लिए। अब हम देखते हैं कि किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, उसके बाद यदि हम किसी बॉडी पर बाह्य बल लगाएं तो बाह्य बल लगाने से किस प्रकार का कंडीशन बनता है, इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और इस चैप्टर का मेन टॉपिक में एंट्री करते हैं धीरे धीरे, तो वो हमारा टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है बल युग्म। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे अपन फोर्स ऑफ कपल। बलयुग्म, तो बलयुग्म क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, बलयुग्म मतलब बल का जोड़ा, पेयर ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ कपल, बलों का युग्म। ये होता क्या है, देखिए कि सपोज आप इमेजिन करो कि हमारे पास ये सपोज कोई राड है अपने पास इस तरह से, और इस राड में हमने क्या किया है, इस राड में मान लो हम बल लगाते हैं, इस राड में मैं इस दिशा में एक बल लगाया F, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाया F। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये AB एक राड है और इस AB राड में हमने दो बल लगाया हुआ है। ठीक है, राड का नाम है सपोज AB और इसमें हमने दो बल लगाया है F, और आप देख रहे हो कि दोनों बल परिमाण में बराबर है, मैंने एक को F1 एक को F2 नहीं लिखा है। तो यदि किसी पिंड पर दो परिमाण बराबर परिमाण के बल ठीक विपरीत दिशा में कार्यरत हों, फोर्स ऑफ कपल का सेंस आपको बता रहा हूँ कि फोर्स ऑफ कपल हम किसे कहते हैं, फोर्स ऑफ कपल का मतलब होता है किसी पिंड पर दो समान परिमाण के बल यदि एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में लगे हों तो हम उनको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ कपल कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। और ऐसा करने के बाद यदि किसी पिंड पर बलयुग्म लगाया जाता है तो जो कॉन्सेप्ट आता है वो है बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण मैं यहीं पर इसी फिगर में आपको बता दूं, बलयुग्म का आघूर्ण इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं टार्क, बलयुग्म का आघूर्ण टार्क। अब ये क्या होता है बलयुग्म का आघूर्ण, देखो जब किसी भी पिंड पर बलयुग्म लगाया जाता है तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि बलयुग्म लगाने से क्या होता है, यह सपोज इस एक्सिस के अबाउट घूमने लगेगा, इस अक्ष के चारों तरफ घूमने लगेगा। इस तरह से आपने देखा होगा कि मान लो हम साइकिल का हैंडल को, बाइक के हैंडल को या कार की स्टेयरिंग को पकड़े हों तो दोनों हाथ से पकड़े होते हैं और दोनों हाथ से हम इस तरह से इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर बलयुग्म का निर्माण होता है और बलयुग्म के निर्माण होने से बलयुग्म के आघूर्ण का निर्माण होता है। तो बलयुग्म का आघूर्ण एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो डी है, डी जो है ए और बी के बीच की लंबवत दूरी है और एफ उनमें लगाया गया बल है। तो बलयुग्म के आघूर्ण को हम टा से प्रदर्शित करते हैं, टा या टाऊ से, और टा इक्वल टू होता है दोनों में से कोई एक बल। ठीक है, इक्वल का साइन थोड़ा इसमें गड़बड़ हो जाता है, इक्वल टू अभी कुछ दिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, टाई इक्वल टू होता है एफ मतलब दोनों में से कोई एक बल और गुणित दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो टा बराबर एफ इंटू डी होता है। अब ये टाई इक्वल टू एफ इंटू डी इसका एक सामान्य फार्मूला होता है, लेकिन यदि हम इस फार्मूला को अब इसको प्रॉपर फॉर्म में अपन उसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बल को क्या है, लंबवत लगाया गया है पिंड पर, लेकिन सपोज इमेजिन करो
कि हमने बल को उस दिशा में ना लगा के इस दिशा में लगा दिया। जब उस बल को उस दिशा में लगाएंगे तो इसको भी उसके विपरीत दिशा में इस दिशा में लगाएंगे, और सपोज इस बल को हमने क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बना के लगाया है, तो इस बल की क्रिया रेखा को यदि हम पीछे बढ़ा दें तो क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाने के बाद इस पर लंब डालना पड़ेगा, और अब इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये दूरी ना होके ये दूरी हो जाएगी, मान लो हम इसको कह दिए एसी। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो टार्क मैंने बताया आपको, टार्क बराबर होता है दोनों में से एक बल, टार्क इक्वल दोनों में से एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो इनकी बल के बीच की लंबवत दूरी अब क्या है, एसी है, अभी ए बी था, अब इनके बीच की लंबवत दूरी ए बी, जैसे एसी आप फिगर में देख रहे हो, तो एफ इंटू हो जाएगा ये एसी। लेकिन यहां पर आप देखो चूंकि इस ट्राइंगल में ये थीटा है, तो थीटा का ये वाला सामने वाला एंगल समकोण होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसके थीटा होने से ये जो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा उसमें ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो यहाँ से यदि मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ, ठीक है, यहाँ से हम साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, मतलब ए सी, ये ए सी लंब होगा और कर्ण क्या है अपने पास, ए बी है। देयरफोर यहाँ से ए सी का वैल्यू इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, दैट इक्वल ये जो ए बी का वैल्यू है वो डी के बराबर है, तो डी इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से ए सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जिसको हम डी साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इस मान को यहाँ पर हम भर दें तो टा बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी साइन थीटा। तो ये टार्क निकालने का एक फार्मूला है जो तब अप्लाई होगा जब बल जो है वह इस पर लंबवत ना लग के थीटा कोण बना के कार्य करेगा। अब देखो हमको वेक्टर से पता है कि चूंकि हमको पता है सदिश गुणा से कि दो सदिशों का सदिश गुणा ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज कर दें तो क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं टा इक्वल टू, टा इक्वल एफ क्रॉस इस फार्मूला से डी, और यह एक सदिश राशि है जिसमें हम सदिश लगा देंगे। इस प्रकार से ऐसा भी निकाला जा सकता है। तो टार्क निकालने का दूसरा फार्मूला हमको मिल गया, टार्क इक्वल टू एफ क्रॉस डी, मतलब बल और दूरी का जो सदिश गुणा है वह बल आघूर्ण के बराबर होता है। आपको सदिश के चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ, इस पर जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि सदिश गुणा से हम बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके कुछ कंडीशन देखें, मान लो इस पर हम कुछ स्पेशल केस देखें। पहला ये कि इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा यदि जीरो डिग्री हो थीटा यदि शून्य अंश हो तो थीटा शून्य अंश होने के कंडीशन में हम क्या है यहां पर यदि फार्मूला के अप्लाई कर दें तो टा इक्वल टू साइन जीरो जीरो हो जाएगा और उस समय टा जीरो हो जाएगा और ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है, ये ध्यान में रखना। मतलब थीटा जीरो डिग्री हो तो इस चित्र में आप देखो थीटा को यदि हम जीरो डिग्री करें तो यह जो बल की दिशा है वो इधर हो जाएगा और इधर होने के बाद इसमें कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। मतलब किसी पिंड पर यदि हम दो बल एक साथ ठीक विपरीत दिशा में लगाएं सीधा राड पर तो उसमें कोई घूर्णन नहीं हो सकता क्योंकि उस समय उसका टार्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सेकंड कंडीशन है इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि क्या हो थीटा 90 डिग्री हो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, देखो थीटा 90 अंश हो तब टा का जो वैल्यू है वह मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हम करेंगे और साइन 90 क्या होता है, साइन का सबसे बड़ा मान होता है एक, तो ये टा मैक्सिमम होगा और उस समय वो एफ इंटू डी के बराबर होगा, जो फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ये टा इक्वल टू एफ इंटू डी। तो ये क्या है टार्क के निकालने के कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल अपने डेली लाइफ में बता रहा हूँ कि आपको पता होगा कि टार्क मतलब एक तरह से कार्य है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, तो दोनों का फार्मूला एक जैसा होता है। मैं थोड़ा दोनों में आपको कंपेयर कर दूं। देखो W इक्वल टू आपने पढ़ा है F डॉट D और अभी आपने पढ़ा है
टार्क इक्वल टू टार्क इक्वल एफ क्रॉस डी। अब यहां पर देखो कार्य के ऊपर मैंने सदिश का निशान नहीं लगाया है क्योंकि वो अदिश राशि। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि दो सदिशों का जो अदिश गुणा है वो अदिश राशि होता है और हमको मालूम है इसका फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और अभी हमने पढ़ा इसका फार्मूला एफ डी साइन थीटा। तो साइन और कॉस का बस इसमें डिफरेंस है। तो इस तरह से यदि हम किसी पिंड पर बल आघूर्ण लगाते हैं तो बल आघूर्ण की सहायता से हम कार्य करते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखो, यदि आपके पास बल का मान नियत है, यदि हम सपोज सोचें कि बल को हमने नियत कर दिया है, तो निश्चित रूप से टा का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा? डी पर डिपेंड करेगा। और चूंकि दोनों समानुपातिक संबंध हैं तो दूरी का मान जितना अधिक होगा बल आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं पेचकस, तो स्क्रू ड्राइवर में आपने देखा होगा कि स्क्रू ड्राइवर में क्या है, उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, यहाँ पर हैंडल लगा होता है इस तरह से, और स्क्रू ड्राइवर तो इसको लंबा बनाया जाता है। क्यों लंबा बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ से हम स्क्रू को रोटेट करेंगे तो जहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ हमको फोर्स लगाना है, और जहाँ हमको रोटेशनल करना है वहाँ से उसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा बल आघूर्ण उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए क्या करते हैं, पेचकस को, स्क्रू ड्राइवर को हम लंबा बनाते हैं। या डोर का हैंडल आपने देखा होगा इस तरह से, जैसे डोर है तो डोर सपोज़ यहाँ किनारे से अटैच है तो हम उसका हैंडल को, कारपेंटर हैंडल यहाँ लगाता है। क्यों? क्योंकि डोर को यहाँ रोटेट होना है तो डोर से हैंडल के बीच का दूरी जितना ज़्यादा रखेंगे हम डोर को उतना ही आसानी से रोटेट कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा जैसे इस तरह से हैंडपम्प, ये मान लो हैंडपम्प है, और इस हैंडपम्प में आपने देखा होगा कि हैंडल जो लगा होता है पंपिंग करने के लिए, तो हैंडल जो लगा रहता है पंपिंग करने के लिए तो हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, यहाँ फोर्स नहीं लगाते क्योंकि यहाँ हमको वर्क करना है और इनके बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हम उतना ही आसानी से उसमें बल आघूर्ण लगा सकते हैं। साइकिल के हैंडल को लंबा बनाया जाता है, हम दूर से पकड़ते हैं तो ज़्यादा आसानी से मोड़ पाते हैं। ये बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसके। कुल मिला के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बल आघूर्ण में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसके मान को जितना अधिक रखोगे, इसके मान को आप जितना अधिक रखोगे उतना ही बल आघूर्ण भी क्या होगा, अधिक होगा, और कार्य क्या होगा, आसानी से होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपके बुक्स में भी एग्जांपल दिए हुए हैं, इस एग्जांपल को आपको रीडिंग करना है। तो आज के क्लास में मैं यहाँ तक क्लास को आज कंप्लीट करता हूँ, और बेसिक फाउंडेशन मैंने आपको इस क्लास का बताया। बाकी आपको एक बार अपने बुक से भी उसके एग्जांपल वगैरह रीडिंग करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण पर एंट्री करेंगे, जहाँ से इसका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ये आप अच्छे से तैयार करिए, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स जब मैं कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड का नया नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और मैंने इसी कारण बीच में वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा अपडेशन का काम चल रहा था अपने स्टूडियो का, और अभी इस पर मैं उतना फ्रेंडली नहीं हो पाया। नेचुरली न्यू टेक्नोलॉजी है, हम लोग को व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड पर बहुत लंबे समय से लिखने का हैबिट है, तो थोड़ा सा अभी लगेगा कुछ दिन, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करेंगे कि कहीं कहीं पर आपको राइटिंग या कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा समझने की उसको कोशिश करेंगे लेक्चर सुन के। बाकी कुछ दिन में फ्रेंडली हो जाएंगे बोर्ड के साथ में तो बहुत आसानी से होगा। ओके, तो आप इतना अच्छे से तैयार करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ओके, थैंक यू।